वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट पर उड़ता उड़ता आरोप आया है, तो फिर फाइटर के अंदाज में जुबानी गोले दागे। सचिन खुद के बाहरी होने के आरोप पर खुलकर बोले और कहा कि जब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था तब से मैं राजस्थान में हूं और बाहरी के आरोपों की मिसाइल को उल्टा बीजेपी की तरफ ही मोड़ दिया। तो क्या बीजेपी के पास इसका तोड़ है? कहना मुश्किल है, लेकिन सचिन ने क्या कहा है इस रिपोर्ट को देखिएगा। सियासत का रंग भी गजब होता है, जब चढ़ता है तो फिर उसकी जद से कोई नहीं बच पाता। अब राजस्थान को ही लीजिए, प्रदेश के दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के बाहरी बनाम साने होने पर जुबानी जंग शुरू हो गई है। सियासी पिसा में निशाने पर दोनों हैं। ऐसे में सचिन पायलट ने जो बयान दिया उसने जवाब के साथ साथ सवालों को भी जन्म दे दिया, क्योंकि सचिन पायलट ने कहा कि जब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था तब से राजस्थान में हूँ। बाहरी होने के नाम पर खुलकर बोले पायलट, कहा 2.5 साल की उम्र से इस मिट्टी से जुड़ा, बीजेपी का जन्म नहीं हुआ तब से मैं राजस्थान में हूँ। पायलट ने किया बीजेपी नेताओं पर हमला। दरअसल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग हुई थी। इस दौरान सचिन से सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी कहते हैं कि पैराशूटर्स को आने नहीं देंगे, जबकि आप तो खुद राजस्थान के बाहर से हैं। ऐसे में राहुल की कथनी और करनी में कैसे अंतर है? इस पर सचिन ने कहा कि जब मैं 2.5 साल का था तब से राजस्थान की इस पवित्र मिट्टी से जुड़ा हूँ। रही राजस्थान से बाहर जन्म की बात, तो मेरे पिता देश की सेवा में एयरफोर्स में तैनात थे। सेना में ड्यूटी अलग अलग जगह होती है, तो मेरी बहन और मेरा अलग अलग जगह जन्म हुआ है। इस पवित्र मिट्टी से मेरा संबंध बना था जब मैं 2.5 साल की उम्र में था, और मेरे स्वर्गीय पिताजी एयरफोर्स में फाइटर पायलट थे, तो मेरी बहन जो है उसका जन्म हुआ हैदराबाद में जहाँ वो पोस्टेड थे। मेरा जन्म हुआ आर्मी अस्पताल सरसावा में जहाँ वो पोस्टेड थे। तो 2.5 साल की उम्र से 1969 में जब मेरे फादर चुनाव लड़े भरतपुर से पहली बार, जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं हुआ था, तब से इस मिट्टी से मेरा जुड़ाव है। और जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका जुड़ाव शायद हुआ 22-23 साल की उम्र में। उनका जन्म कहाँ हुआ आप बता दीजिएगा? एलगेट वाली जन्म हुआ पाकिस्तान में, वो इस देश के नेता रहे। तो ये कथनी करने की चर्चा मुझसे ना ही करें। कुछ दिनों पहले राज्य सरकार के मंत्री राजेंद्र राठौड़ का बयान भी सचिन के बाहरी होने को लेकर आया था, लेकिन सचिन ने पूरे मामले का पलटवार किया। लेकिन ये जवाब विरोधियों को कितना संतुष्ट कर पाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि राजनीति में हर बार का पलटवार होता है। जयपुर से फर्स्ट इंडिया के लिए नरेश शर्मा की रिपोर्ट।